कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा यातायात और साइबर संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही पुलिस मुख्यालय से प्राप्त 8 स्कूटी वाहनों वितरण महिला डेस्क में कार्यरत महिला कर्मचारियों को किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया अंजोर रथ के माध्यम से लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि वह साइबर ठगों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से 8 स्कूटी वाहन जिले को प्राप्त हुआ है, जिसे विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेषकर महिला पुलिस को प्रदान की जा रही है, ताकि महिला संबंधी होने वाले अपराध पर महिला पुलिस द्वारा पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित का हर संभव सहयोग किया जा सके। आज यहाँ पर हम लोगों ने दो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। एक है अंजोर रथ, इसके माध्यम से हम लोग साइबर संबंधी यातायात संबंधी जो अवेयरनेस है उसको आम जन में और बच्चों के मध्य फैलाने की कोशिश करेंगे। इसका प्रयास ये रहेगा कि इस रथ के माध्यम से हमारे यातायात के जवान और साइबर के जवान विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और जो बाजार क्षेत्र जहाँ पर लोगों का भीड़ रहता है वहाँ पर जाएंगे और उन्हें यातायात के नियम के बारे में, किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए उसके बारे में बोलेंगे। और साथ ही साथ जो साइबर की टीम को भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि जो साइबर ठगी वाले मामले होते हैं या फेसबुक आईडी हैक करना, माने जो साइबर संबंधी कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, उन संबंध में भी बच्चों को बताएंगे कि हमें साइबर या मोबाइल के इस्तेमाल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान हमें करना चाहिए और किन किन बातों को, जैसे बैंक अकाउंट है उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रकार से जो अंजोर रथ है ये अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित है। इसके संबंध में हम लोगों को पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे। साथ ही साथ आज हम लोगों को PHQ की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से महिला संबंधी क्राइम या जो भी महिला संबंधी क्राइम होते हैं उनको डिटेक्ट करने में उनके प्रति संवेदनशीलता को देख करके PHQ के द्वारा हम लोगों को 8 स्कूटी वाहन प्राप्त हुए हैं, जिसे विभिन्न थानों में महिला डेस्क नामक जो मतलब डेस्क बना हुआ है उनको वहां पर हम लोग देंगे, ताकि महिला संबंधी अगर कहीं पर कोई घटना घटती है, चाहे 376 के केस होते हैं, 354 होते हैं, महिला संबंधी किसी भी प्रकार के क्राइम होते हैं, तो वहां पर हम इसके माध्यम से महिला जो पुलिस रहती है, चाहे कांस्टेबल हो, एक कांस्टेबल हो, एक सब इंस्पेक्टर हो, तुरंत स्पॉट पर पहुँच सकें। मतलब ये जो हम लोगों को PHQ के द्वारा ये वाहन प्राप्त हुए हैं ये पूरी तरह से महिला डेस्क के लिए ही होंगे और उसको महिलाएं जो महिला पुलिस वही इस्तेमाल करेंगे और जहां पर भी महिला संबंधी क्राइम होगी वहां पर तत्काल पहुंच करके अपनी कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से इससे पुलिस का रिस्पांस टाइम मतलब बहुत ही कम समय में पुलिस वहां पर जो भी घटना स्थल रहेगा पहुँच जाएगी और अपना कार्य करेगी। इस प्रकार आज हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ महिला संबंधी कार्यक्रम के क्षेत्र में। ब्यूरो रिपोर्ट, BNA24 न्यूज़, कोरबा।